देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इसी बीच कई नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं जो कि सुर्खियां बटोर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मजीद मेमन साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता। सर, जिस तरह से इंद्रेस कुमार का बयान आपने देखा होगा, सीधा सीधा उन्होंने कहा कि अगर भारत का बंटवारा हुआ तो उसकी वजह महात्मा गांधी थे। अब आपके कहने से वो इतिहास नहीं बदल सकता, तो इसलिए 75 वर्ष पहले का बापू का करदार क्या रहा था उसको आज कहने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं थी, और ये तो उन्होंने रंग में भंग लाने वाली बात की। एक अहम सवाल और सर, कि जिस तरह से रमेश पोखरियाल निशंक का बयान आता है कि इस देश में अगर जिस घर में झंडा नहीं लगा होगा इसका मतलब उसको देश में रहने का अधिकार नहीं है, उसकी पहचान होनी चाहिए। देखिए, देश में ये अमृतसर आज़ादी का मनाने के लिए जो झंडा लगाने की बात है तो खुशी से सब लगा रहे हैं, और इस पर हमें गर्व होना चाहिए कि हमने आज आज़ादी की अपनी 75 वर्षीय वर्षगांठ मना ली है। मगर एक बात मैं भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ तक के हमारे प्रधानमंत्री जी से भी कहूँगा बड़े नम्रता के साथ, कि झंडा लहरा देना देशभक्ति की मिसाल नहीं होती। अकेले सिर्फ झंडा लहरा लेने से आप देशभक्त नहीं हो जाते। आपको देशभक्त अगर बनना है तो आप उन गरीबों को देखिए, भूखों को देखिए, जो जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास सड़कें नहीं हैं, उन लोगों को 75 वर्षों में आप वो नहीं दे पाए। तो मापदंड जो है आपके देशभक्त होने का झंडा लहराना नहीं है। झंडा तो लहरा रहे खुशी से, ठीक है, मैंने कहा जैसे कि गरीब बेचारा जिसके पेट में रोटी नहीं है उसने भी झंडा लहरा दिया, ये भूल कर कि मेरी जिंदगी, जीवन मेरा कितना कठिन है, मगर उसके बाद भी मैंने आज देश के 75वीं वर्षगांठ है तो उस पर मैंने भी बड़े गर्व के साथ झंडा लहराया। मगर झंडा लहरा लेने को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अगर राष्ट्रवादी होने का या राष्ट्रप्रेमी होने का दंडमाप बना दिया है तो वो गलत है। अगर किसी ने नहीं लहराया किसी वजह से तो उसका मतलब ये मत समझे कि उसको देश के प्रेम आपसे कम है, हो सकता है आपसे ज़्यादा उसको देश का प्रेम, किसी कारण नहीं लगा पाया होगा वो। तो ये कह देना कि जिन्होंने झंडा नहीं लहराया उनके नाम नोट किए जाए, उनको मुल्क का दुश्मन समझा जाए, ये एक तरह की हिमाकत वाली बात है। आपको हमेशा देश के प्रेमी होने के सबूत अगर चाहिए तो उसके लिए आप देश की सेवा में क्या, आपको आपने देश के लिए क्या योगदान दिया वो होना चाहिए आपने। लेकिन सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर इंसान जो है इसमें शरीक होने को पूरी कोशिश कर रहा है कि वो शरीक हो जाए, लेकिन इस तरह की बयानबाजी, चाहे इंद्रेश कुमार हो चाहे रमेश पोखरियाल निशंक हो, इस तरह की बयानबाजी ऐसे समय में क्यों? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ना। ये एक खामखा का एक विवाद पैदा करना या खबरों में आ जाना, ये इस तरह की बातें ऐसे समय पर क्यों करते हैं आप? जब एक गरीब भी जिसके पेट में अगर आग लगी है भूख, तो वो भूख भूल कर झंडा लहरा रहा है, तो आप उसको याद दिला रहे हो कि नहीं ये समय ऐसा है, और ये वाद इसमें पैदा करना। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतनी सूझबूझ ईश्वर दे कि वो समझें कि एक अच्छे मौके पर कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहिए। हम सबको मिलकर 75 वर्षों में हमने क्या पाया, 75 वर्षों में हम क्या नहीं कर पाए, 75 वर्षों में हमारी सफलताएं या विफलताएं क्या रहीं, इसकी हमें जांच करनी चाहिए। और आगे देश को अगले आने वाले 25 वर्षों में जब हम 100 वर्ष पूरे कर लेंगे, इस देश से गरीबी, इस देश से महंगाई, इस देश से मजबूरियां, इस देश से नाइंसाफी, इनको दूर करने के लिए क्या करना। तो जाहिर तौर पर एनसीपी के जो नेता हैं माजिद मेमन साहब, उनका कहना है कि इस मौके पर जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में बीजेपी के जो नेता हैं, आरएसएस के जो नेता हैं, वो रंग में भंग डालने का काम कर रहे हैं, विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे इस तरह की, ताकि वो इस तरह के बयानबाजी से बचें। कैमरा रमेश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।